भाजपा वाले को सिर्फ बोलना आता है, काम हम तो करना है नहीं। कल तक क्या बोल रहे थे, आज दूसरा बात बोल रहे हैं, इसलिए बोलते रहेंगे हम लोग अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव, में मृगांक शिखर सिंह। जम्मू जिले के झाझा विधायक दामोदर रावत ने 15 लाख की लागत से बनने वाली प्लस टू महंत रघुनाथपुरी उच्च विद्यालय ताजपुर में चारदीवारी का विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण की निधि से शिक्षा के क्षेत्र में 15 लाख की राशि विद्यालय के चारदीवारी निर्माण कार्य के लिए देकर शिक्षा एवं शिक्षण के प्रति गंभीर है। शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति को जोड़ने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार पूरी तरह से के साथ अपने प्रयासों में जुटी हुई है, जिससे हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झाझा विधायक दामोदर रावत ने महंत रघुनाथपुरी उच्च विद्यालय ताजपुर विद्यालय के चारदीवारी शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचकर भूमि पूजन कराकर निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखिए बिहार न्यूज लैब की एक खास रिपोर्ट। यहाँ किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए? ताजपुर प्लस टू विद्यालय के चारदीवारी निर्माण के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था, चारदीवारी का शिलान्यास करने के लिए। सभा के सांसद आदरणीय वशिष्ठ बाबू के फंड से इसका निर्माण कराया जा रहा है और उसकी स्वीकृति मिली है। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज शिलान्यास किया है और कल से काम प्रारंभ है। कितनी राशि के सर? 15 लाख रुपए की राशि से। राजनीति से जुड़े 154 भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि सर बिहार में जब शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके नीतीश कुमार 4-4 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, कैसा शराबबंदी है सर? देखिए, भाजपा वाले को सिर्फ बोलना आता है, काम हम तो करना है नहीं। कल तक क्या बोल रहे थे, आज दूसरा बात बोल रहे हैं, इसलिए बोलते रहेंगे हम लोग अपना काम करते। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं सर कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी यूपी मॉडल के तर्ज पर यहाँ काम किया जाएगा। करें यूपी मॉडल पर, उनको कौन रोकता है? सरकार बनेगी तब ना, सरकार जब बनेगी तो करेंगे, उनको कौन रोकने वाला? अभी जोगी जी को कौन रोक रहा है? संविधान का धज्जी उड़ाते हुए बहुत काम कर रहे हैं, तो करें, उनका काम है करना। नीतीश कुमार विपक्षों को एकजुटता करने में लगे हुए हैं सर, प्रधानमंत्री बनने में सफल हो पाएंगे? हमेशा कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता के हम लोग पक्षधर हैं, वह काम हम लोग हमेशा जारी रखेंगे।